गाइस, आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं अंबर या आमेर फोर्ट घूमने, और यहाँ पर हम आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे फोर्ट। और ये रहे विहान, पहले हम लोग फोटो ले रहे थे और छोटे से दिख नहीं रहे थे, तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। ये रहे छुटकू महाराज हमारे, ये रहे। लेकिन गांव वालों को नाम समझ में नहीं आया सर, अंबर तो अंबर की जगह आमेर कर दिया उन्होंने, बिल्कुल साइलेंट। अच्छा, और सर वो सामने देख रहे हो आप, ये किले का बाउंड्री है, पहली चाइना, दूसरी कुमलगढ़ और तीसरी हमारे आमेर की 12 से 15 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल। अच्छा, एक जिस एरिया में से आप चल रहे हो लगभग इस एरिया में 365 मंदिर है अपने, छोटे बड़े सब मिला के, इसको छोटा काशी भी बोलते हैं अपने। बताते हैं कि राम भगवान की दो लाठी लव और कुश, उसके वंशे रहते थे यहाँ पे कछवा लोग। पहले कछवाओं ने राज करा, फिर उसके बाद में आए मीना, जो मीना कारीगर होते हैं, जैसे सूट साड़ी रजाई वगैरह बनाते हैं, वो यहाँ हमारे हर घर में काम होता है यहाँ पे। और मीनाओं के 800 से 900 घर है सर यहाँ पे। जैसे जयपुर में सुना बापू बाजार, हमारे गाँव वाले बोलते हैं उसको डाकू बाजार। अच्छा, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज होती है ना सर, वो हमारे यहीं बनता है जयपुर आमेर के अंदर। जैसे 100 ग्राम का रजाई, बांधनी साड़ी, मुल्तानी मिट्टी की साड़ी, ये सब। ये सामने देख रहे हो सर, ये टूटा फूटा, ये चांदी के भिक्षाले राजा के टाइम का बैंक। कौन सा? ये वाला। और जैसे ये आर्ट बाजार हो गया सर, ये नेशनल एड्रूम हो गया यहाँ पे हमारे यहाँ पे। मशहूर एक किला और एक कला, जैसे आप लोग क्या करते हो, सब्जी को फेंक देते हो और ये सब्जी का कलर बनाते हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, अनारदाना, इनको मिला के। ये खेली दरवाजा, इसके पीछे पूरा जंगल है, जब राजा लोग शिकार पे जाया करते थे अपने, इधर से जाया करते थे। अच्छा, और आपने वो करण अर्जुन देखी पिक्चर? हाँ हाँ, ये वो गलियाँ हैं। अच्छा, और आपको सारे मंदिरों में मूर्ति मिलेगी, एक इस मंदिर में मूर्ति नहीं मिलेगी अपने। क्यों? अपने बिहारी जी का है, बिहारी जी को कविता लिखने वाले थे ना अपने। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट आ रहा है अपने, पन्ना मीना कुंड। पन्ना मीना का कुंड जो है वो स्क्वायर शेप स्टेपवेल है, और इसकी एडजॉइनिंग स्टेयर्स हैं चारों साइड से, और नॉर्दर्न वॉल पे एक रूम भी है। ऐसा माना जाता है कि ये रूम जो है वो रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ होता था, शादी से पहले या फिर जब पॉपुलर फेस्टिवल्स होते थे तो उस डेट्स पे यूज़ होता था। पन्ना मीना का कुंड जो है वो बिगेस्ट स्टेपवेल नहीं है राजस्थान में, बट इट्स वर्थ विजिटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। ये किले के पीछे के रास्ते पे पड़ती है, आप यहाँ के आगे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अगला जो ये एरिया, यहाँ पे भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी, राजपाल यादव का फेमस सीन यहाँ शूट हुआ था। अजूबा पिक्चर देखी है आपने? नहीं नहीं नहीं। अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी। हाँ, वो क्या है दीदी, क्या अपन बैठे हैं ना अपनी गाड़ी से, उसके वहाँ पे वो चटाई के ऊपर वो है अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन लड़ाई करते हैं। और वी पिक्चर सलमान वाली, वो भी यहाँ भी शूट हुई है, बहुत अच्छी है। जरीन खान को कंगन पहनाते है ना, हाँ। वो इधर का ये शॉट, और अपनी ये मीरा मंदिर है ये वाला। तो 365 मंदिर है यहाँ पे। बताते हैं कि रानी एक मंदिर में डेली जाया करती थी, साल भर पूरा हो जाया करता था सर। और सामने देख रहे हो सर वो जस्ट गेट, हाँ। वो अपने जोधा भाई का पेरे से, जोधा का जन्म हुआ था ना अपने, घर पे सजाने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए काफी अच्छे आइटम्स हैं, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। ये सर इसकी न्यू न्यूमन देखो, हाँ, ये पत्थरों के ऊपर ही अपने दिखो आई। हाँ, ये रहा जोधा भाई का पेज, कहाँ है ये रहा।
ये बता रहा था ना मैं आपको, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ, सामने वाला। अच्छा हेलो गाइस, आपने जो अभी तक रास्ता देखा वो हमने जीप से कवर किया था। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किले के आगे से एंटर कर लीजिए या फिर आप पीछे से भी आ सकते हैं जीप के थ्रू। तो हमने जीप ले ली थी क्योंकि विहान काफ़ी छोटा है, इतना लंबा चल नहीं पाता, तो इसलिए हमने जीप प्रेफर करी थी। जीप का रेंट यहाँ तक आने के लिए 400 रुपीस है। अब यहाँ से हमें पैदल जाना था, जीप यहीं पार्क हो जाती है और आप देख सकते हैं यहीं से कितनी मार्केट लगना स्टार्ट हो गई थी। कई तरह की चीज़ें थी यहाँ पर, टोपी, छाता तो इतना सुंदर था, ये डिज़ाइन किया हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था, 150 रुपीस का मिल रहा था और काफ़ी सुंदर सा था। और उसके आगे यहाँ पर बहुत सारी शॉप लगी हुई थी, स्ट्रीट शॉप, और बहुत तरह के यहाँ पे सामान मिल रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे सब देखने में। आप देख सकते हैं राजस्थानी स्टाइल दी हुई थी इन सबको, और यहाँ से ये देखे पूरा नज़ारा। और अब यहाँ से ये देखे यहाँ पे मार्केट ही, जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी वहाँ मार्केट ही मार्केट लगी हुई थी, यहाँ पर काफ़ी सामान बिक रहा था। तो आप यहाँ से अपना गिफ्ट ले जा सकते हैं अपने लोगों के लिए भी यहाँ से। और ये देखिए यहाँ से हम जा रहे थे अंदर किले के अंदर, और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। और अब यहाँ से विहान सो पूरी कार में तो सोते हुए आए थे, और अब उठे थे तो यहाँ पे उनको मस्ती सूझ रही थी, थोड़ा सा देख रहे थे यहाँ पर, और मेरे साथ फाइट भी करने लग गए कि तुम मुझे गोदी नहीं लेती हो, गोदी नहीं लेती हो। मैं उससे कह रही थी कि नीचे उतर के चलो, पर सो के उठा तो कह रहा था गोदी लो गोदी लो। अब यहाँ पे ये देखिए हमने अंदर एंटर कर लिया है किले में, और आप देख सकते हैं ये हम पीछे के गेट से आए हैं, यहाँ सैगवे राइड तक हो रही थी, और ये देखिए पीछे हो रही थी, एक लड़का कर रहा था। और यहाँ पे कार भी थी जिसको कि विहान ने यहीं से स्पॉट कर लिया था इतनी दूर से ही, वो भी यहाँ पर लाती है आपको, वो आगे के रास्ते से लाती है, आधे रास्ते से। उसकी 100 रुपीज़ चार्जेस थे यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन वो बीच रास्ते से लाती है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं। और वो वहीं पर खड़ी हुई थी तो विहान को दिख गया, तो वो एक्साइटेड हो रहा था और कह रहा था कि मुझे कार के पास ले चलो। बाकी ये फ्रंट डोर थी, आप देख सकते हैं यहाँ से लोग आगे की तरफ से आ रहे थे। और ये देखिए ये कितना बड़ा एरिया है पूरा, काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। अब विहान को कार की धुन थी, तुमने कहा कि चलो तुम बैठ के देख लो, क्योंकि अब ये ऊपर थी तो हम कैसे उसको बैठा सकते थे, बट हाँ कि तुम ऐसे ही बैठ के देख लो, चला नहीं सकते थे बट हाँ बैठ के देख सकते थे। तो मैंने उसे बताया कि देखो यहाँ पे खड़ी हुई है, तो वह कह रहा था हाँ चलो जल्दी से मुझे बैठना है, तो वो वहाँ पे बैठने जा रहा था। और यहाँ पे ये कार देख के एक्साइटेड हो रहा था, ये रही वो कार जिसको विहान ने इतनी दूर से स्पॉट कर लिया था, और अब वो कह रहा है कि मुझे बैठाओ इसमें, तो बैठे बिना माना नहीं वो, और अब बैठने जा रहा था उसमें। काफ़ी अच्छी लग रही थी, विंटेज लुक था इसका। और ये देखिए आमेर फोर्ट या अंबर फोर्ट जो है वो आमेर राजस्थान इंडिया में है, और आमेर सिटी और आमेर फोर्ट जो है वो रूलर एलन सिंह चंदा डायनेस्टी ऑफ मीनास ने फाइंड किया था। ये हाई हिल पे लोकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। आमेर फोर्ट जो है वो अपनी आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए फेमस है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। ये फोर्ट मुग़ल और राजपूत आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। ऊपर जाने के रास्ते पे हमें शीला देवी मंदिर दिखा, जो कि गॉडेस हैं ऑफ चैतन्या कट, जो कि राजा मान सिंह को मिली थी जब उन्होंने राजा ऑफ जैसोर बंगाल को 1604 में डिफ़ीट किया था, तब से यहाँ पे ये देवी स्थापित की गई हैं। अब हम इसके आगे ऊपर की तरफ आए, ये दूसरा पार्ट है इस किले का, और आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में। यहाँ से आपको पूरा माउंटेन एरिया दिखाई देगा। जयगढ़ फोर्ट की तरह ही चील का टीला हिल्स ऑफ ईगल पे ये स्थापित है, और आप देख सकते हैं ये अरावली रेंज का ही पार्ट है, और यहाँ से ये कितना अमेजिंग लग रहा है नीचे का पार्ट। फिर हम ऊपर आए हैं और ऊपर भी उतना ही बड़ा पार्ट है, और ये देखिए यहाँ पे पूरी फोर्टिफाइड वॉल्स हैं जो कि काफ़ी सेफ्टी दे रही हैं। और अब यहाँ पे विहान जो है
वो इतना बड़ा पार्ट देख के खुश होने लग गए और यहाँ पे खेलने लग गए, और उनको यहाँ पे अपनी परछाई दिख गई, जिसको देख के वो काफ़ी अमेज्ड हो रहे थे और देख रहे थे कि ये कौन है और यहाँ खेल रहे थे। अब यहाँ से देखिए ये पार्ट कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से ही हमें ये दीवाने आम दिखाई दिया, ये पब्लिक के लिए खुला हुआ था। यहाँ पर राजा पब्लिक की कष्ट सुना करते थे और यहाँ पर ही बैठ के सारे फैसले लिया करते थे। तो यहाँ पे ये देखिए नक्काशी कितनी सुंदर हुई है यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा तुर्किश बात, इसको हमाम भी कहते हैं, जो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब बात ही होता है। और यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी दोनों की सुविधाएं थी, इसको रॉयल फैमिली यूज़ करती थी और शीश महल से भी ये कनेक्टेड था और दीवाने आम से भी। आगे हमको दिखा किचन, यहाँ दो तरह के किचन थे, एक में राजा और उनके गेस्ट के लिए और दूसरे में पैलेस स्टाफ के लिए खाना बनता था। दोनों तरह के खाने यहाँ पे बनते थे, मीट और वेजिटेबल दोनों तरह के, और ओवन भी यहाँ पर था। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, अब हम और ऊपर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे ही गणेश जी की प्रतिमा लगाई हुई है, जो कि सारे दुख हर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आप फ्रेस्को पेंटिंग्स हुई हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी देखने में और चार्म बढ़ा रही थी एंट्रेंस का। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रही थी। अब हम इसके आगे और आगे बढ़े तो हमें और सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई दिया। यहाँ पर एंटर करते ही हमें गार्डन दिखाई दिया, जो कि राजा और महाराजा रानियां यूज़ करती होंगे बैठने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये देख। पहले आप गार्डन में एंटर कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ख़राब कर रहे थे गार्डन को, फ़िलहाल के लिए बंद कर रखा है। अंबर फोर्ट गाइस बहुत बड़ा है, तो हम इसके दूसरे पार्ट के साथ आपके पास जल्द ही हाज़िर होंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके साथ और इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। तक तक ले बाय बाय, सी यू सून।